एक नाबालग कुड़ी नूं खत्म करन तो बाद छत्ते नाल लटका दिता गया। घरदिया ने जदों ये सारे हालात देखे तो उन्होंने दोष लगाए ने कि जिस मकान मालक दे घर वह काम करन आई सी उसे ने ही नाबालग बच्ची दे नाल दुष्कर्म किया अते उस तो बाद उस नूं खत्म कर दिता। एक खबर सामने आ रही है लुधियाणा के दशहरा मैदान के कोल कुंदनपुरी तो, जिथे कि एक नाबालग बच्ची जो कि महल्ले दे विच घर घर जाके सफाई का काम करती सी, सोमवार देर शाम तक जदों वह घर वापस न आए तो परिवारिक मैंबर ने उसनू लभना शुरू किया। इस दे विचाले जिथे वह काम करन जांदी सी उस मकान मालिक नू भी फोन किया गया। उसने कहा कि तुसी मेरे घर आ जाओ। जदों परिवारिक मैंबर घर पहुँचे तो मकान मालिक कहिंदा है कि तुहाडी कुड़ी ने तो अपनी जान दे दित्ती, वह तो इत्थे लटक रही है। ये सब कुछ सुन के घरदियां दे होश उड़ गए। परिवारिक मैंबरां ने यह शक जाहिर किया कि उसके नाल दुष्कर्म किया ते उस तो बाद उसनू लटका दिता गया। इंज कहण दे पिछे दा कारण भी तुहानू जरूर दसांगे क्योंकि एक बार नहीं पहला भी अजिहियां हरकतां कर चुकिया सी ये मकान मालिक। घरदियां दा यह भी कहना है कि इसकी पत्नी पैरालाइज्ड है जिस करके यह व्यक्ति औरतां कुड़ियां दे नाल अजिहियां हरकतां करदा है। परिवारिक मैंबरां ने उस तो बाद तुरंत पुलिस नूं सारी घटना की जानकारी दी। उस तो पहला तुहानू यह दस दिए कि मृतक नाबालग कुड़ी की पहचान काजल के रूप के विच हुई है जिसकी उम्र 15 साल की है। जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। भारी पुलिस फोर्स नूं तैनात किया गया क्योंकि लोगों का इकट्ठ अते हंगामा इत्थे बेहद ज़्यादा सी। उस तो बाद मृतक देह नूं नीचे उतार के जांच पड़ताल दे लई अगलेरी कार्रवाई करन लई सिविल हस्पताल भी भेज दिता गया। इत्थे परिवारिक मैंबर अते औरतां नूं रोकण दी बेहद कोशिश की गई पर ओह पुलिस दे सामने नहीं रुके। पुलिस अते प्रदर्शनकारी इत्थे भिड़दे नज़र आए। उन्होंने पुलिस ते भी दोष लगाया कि यह सही तरह दे नाल काम नहीं करनगे क्योंकि इन्हां दे झोले दे विच पैसे पै जाणगे। लोकां दे घरां दे विच काम करन वाले इन्हां लोगों के वलों इकट्ठ किया गया अते सोसाइटी के बाहर ही हंगामा किया गया। पुलिस के वलों रोकण की कोशिश की पर उन्होंने गुस्से अते दुख के अगे उन्होंने कोई भी रोक नहीं पा रहा सी। मृतक काजल की माँ सुमन ने पत्रकारों के नाल गलबात करते हुए दसिया कि उन्होंने धी ऐसे घर के पिछले 2 साल तो काम कर रही सी। घर की मालक की पत्नी हुण जदों पैरालाइज्ड हो गई है तो कुछ समय तो वह हस्पताल दे विच भर्ती है। 4-5 दिन पहला भी घर के मालक ने उन्होंने धी के नाल रात को काम करन दी गल रखी सी पर घरदिया ने कहा कि साड़ी धी रात को किसी भी घर के विच काम नहीं करेगी। इस तो बाद उन्होंने कहा कि जेकर रात को काम करवाना है तो असी काम छड़ रहे हैं। पर अगली सवेर जो बेटी घर आई तो उन्होंने दसिया कि मकान मालिक ने उसके नाल छेड़छाड़ की सी। परिवारिक मैंबरां ने मकान मालिक नूं फोन करके कहा सी कि वह अपनी धी नूं हुण नहीं भेजणगे पर मिन्नतां करन तो बाद उसने कहा कि जदों मेरी पत्नी हस्पताल तो वापस आ जाएगी उस समय भावें हटा लियो पर हले कुछ दिन उसनूं ना हटाया जाए। यह सुन के परिवारिक मैंबर ने अपने उस धी नूं भेज दिता पर इस दे नाल जो कुछ होया वह सुन के हर कोई परेशान है। परिवारिक मैंबरां के मुताबिक काजल दी मृतक दे लटक रही सी। उस दे मुंह दे विच इक कपड़ा ठुसिया होया सी जो कि खून दे नाल भरिया सी। काजल दे पिता मटरी रिक्शा चालक ने, पूरा परिवार मूल रूप दे नाल उत्तर प्रदेश उन्नाव दा रहण वाला है। मां सुमन दा कहना है कि काजल सवेरे काम ते जाण दे लई निकली सी, दुपहर समय घर दा समान दे के ओह वापस अपने काम ते चली गई सी। उस समय तक सब कुछ सही चल रहा सी पर शाम नू बेटी जिस हालत दे विच मिली उस तो बाद पता लगता है कि उसकी बेटी ने खुद कुछ नहीं किया बल्कि उसनू खत्म किया गया। उस तो बाद अजिहे हालत दे विच देखिया जदों परिवार ने तो भारी इकट्ठ किया गया क्योंकि उन्होंने इस गल ते बिल्कुल भी यकीन नहीं सी कि इस घर के अंदर उसके नाल अजिहा की होया कि जिथे काम करन गई सी उत्थे ही उसने अजिहा कर लिया होवे। इस गल नू मनण दे लई परिवारिक मैंबर बिल्कुल तैयार नहीं कि उसने खुद अजिहा किया होना। इस सारे मामले तो बाद जांच के दौरान माहौल इन्ना ज़्यादा तनावपूर्ण हो गया कि पुलिस ने उत्थे मौजूद लोगों ते डंडे तक वरसाए। लोगों ने भी पुलिस नू घेर लिया ते पुलिस ते इट्टा रोड़े वरसाउण दी कोशिश भी की गई सी। इस इलाके दे विच पूरी तरह दे नाल दहशत दा माहौल बन गया। इलाके दे विच जदों पुलिस ने घेरिया तो पूरी छावनी दे विच इस नू बदल दिता गया पर उत्थे मौजूद लोग किसी भी तरह के नाल काबू च नहीं आ रहे सन। उन्होंने वालों अपनी शक नू जाहिर किया जा रहा सी ते दूजे पासे पुलिस कुछ होर ही कहती जाप रही सी। फिलहाल यह सारा मामला हले जांच पड़ताल का बनिया होया।
देखना होगा कि इस मामले दे विच कीवें अते की सुनवाई होंगी है। इस मासूम नूं इंसाफ मिलता है, परिवार नूं इंसाफ मिलता है, सच सामने आता है या फिर नहीं। दस दिए कि ऐसी गहमा गहमी के विचाले ही उस बच्ची की मृतक देह नूं हस्पताल पहुँचा दिता गया सी। एंबूलेंस के विच ही मासूम दे परिवारिक मैंबर उसका पीछा करते रहे। उन्होंने एंबूलेंस के विच अपनी धी का मृतक देह नूं तारन की कोशिश भी की, पर पुलिस ने पूरी सुरक्षा के नाल उत्थे उस नूं लजाया गया। इंसाफ नहीं मिला, हाईवे पे जाएंगे। मैडम क्या नाम है आपका? कृष्णा। कृष्णा क्या बात हुई, कैसे पता लगा? चार साल से लड़की लगी है, चार साल से लड़के लगे हैं, उसको अंदर मार दिया, इसका मतलब क्या बनता है? क्या मतलब बनता है? पुलिस कुछ नहीं करेगी, ऐसे ऐसे हिला के चली जाएगी, निकलेगी। पैसे लगेगी 20 लाख, 20-25 लाख अपनी कार में घुसर लगी और चली जाएगी। काम कर रही थी लड़की, चार साल से कर रही थी। तीन साल हो गए। ये बताओ, अगर योगी सरकार की तरह ये पुलिस जागी नहीं तो ये ऐसे ही हमेशा जिंदगी भर बदनाम रहेगी पुलिस। कभी भी इनके कुछ नहीं बसे अपने, इन पैसों से ये पुलिस वाले अपनी बेटियों को खिलाएंगे, अपनी बीवी को, कि मैं आज ये घूस लेके आया हूँ, खाओ बच्चों, हैं? यही खिलाएंगे। हाल हो गए मेरी बहन को काम करते हुए, अचानक में उसने एक बार घर पे बताया कि भी अंकल हमें छेड़ते हैं। हमने उसका इतना गौर नहीं किया, आज उसके साथ ही के ऊपर टांगा हुआ है और झूठ बोले कि उसने अपने आप किया हुआ है। उसका नाम काजल है। कोई जांच से कर सकते हो, आपके घर में भी तो एक लड़की है। कितने सालों से ये काम कर रही थी? 3 साल हो गए पूरे उसको काम करते हुए। यही काम करती थी? हाँ जी। कौन सी कंपनी में काम करती थी? इसमें नीचे नीचे। क्या नाम है मालिक का? मालिक का नाम हमें नहीं पता है, उसे ही पता, हमारे मामा मामी को पता है। अच्छा, आपकी क्या लगती थी? वो हमारे मामा की लड़की थी। मामा की लड़की है? हाँ जी। सगे मामा की लड़की? हाँ जी, सगे मामा मामी की लड़की। सगे मामा के 14 साल की है। और उसके और कुछ इन्होंने पैसा खाया हुआ बस। मकान मालिक इस वाले घर में, इस वाले घर में छुपा हुआ है। हाँ जी, दोनों वाइफ और उसका उसकी घर वाली दोनों उसमें है। हजे असीं इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, सानूं पहले कर लेंदे हो, यही पता लगा सानूं कि इत्थे एक लड़की ऊपर असीं उन्हूं देखे हैं, उन्हें बाहर लाया है। इस तो बाद प्रदर्शनकारियों उतों हटाने के लिए लाठियां तक चलाईया गई। लोगों ने पुलिस कर्मचारियों भी इस मौके पर घेर लिया सी। उन्होंने उतों भजन की भी कोशिश की, कई तस्वीर अजिहियां सामने आई हैं जिस दे विच पुलिस कर्मी अगे अगे सी अते कुछ लोग उन्होंने पिछे पत्थर लैके भी भज रहे सन। इस मौके पर उत्थे मौजूद महिलाओं के वलों पुरुष पुलिस कर्मचारियों ते गंभीर आरोप लगाए गए कि उन्होंने साडे नाल मारपीट की है। महिलावां नूं लत्तां मारदे भी नज़र आए, ये भी इल्जाम घरदियां दे वल्लों ही लगाए गए ने। दस दिए कि इस दे विचाले पत्रकारां दे वल्लों भी कहा गया कि शहर की स्थिति, कानून व्यवस्था पुलिस तो संभल नहीं रही, पर वह पत्रकारां दे नाल उलझदे दिखाई दिते, क्योंकि कुछ दिन पहला भी अजिहा ही होया सी जदों सिविल हस्पताल की एमरजेंसी के सरेआम पुलिस के सामने ही हथियारबंद बदमाशों के वलों एक नौजवान मुंडे नूं खत्म कर दिता गया।